सिंघम 3 और भूलभुलैया 3 दोनों दिवाली पे एक साथ आ रही हैं, तो एक एक करके दोनों पे तो बात करनी बनती है। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। तो भूलभुलैया 3 का ट्रेलर देख के पता चल चुका है कि उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। ये एकदम फ्रेश स्टोरी होने वाली है जिसमें हमको ओजी कैरेक्टर थोड़े बहुत तो दिख सकते हैं, जैसे कि राजपाल यादव, जिनका भी न्यू कैरेक्टर ही होने वाला है क्योंकि उन्होंने सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा ही हंसी दिलाई थी क्योंकि उन्हीं के सीन तो दमदार थे, तो इसलिए उनको थर्ड पार्ट में भी डाला है। और 2-3 कैरेक्टर और भी भूलभुलैया 2 से उन्होंने लिए हैं जिनका थर्ड पार्ट में एक मेजर रोल होने वाला है। बट फिर भी भूलभुलैया 1 जैसी बातचीत तो इस पार्ट में भी नहीं आ रही है, भले ही आपने कितना भी बड़ा सेटअप तैयार करा हो और इसका बजट बढ़ा दिया हो। बाकी इसका भूलभुलैया 1 से तो कोई कनेक्शन है नहीं। बाकी देखा जाए तो मंजुलिका के कैरेक्टर के लिए विद्या बालन को वापस तो ले आए, बट उनकी एक्टिंग एकदम ओवर है। साथ ही माधुरी दीक्षित को भी इन्होंने मंजुलिका के कैरेक्टर के लिए ही अप्रोच करा है, उनकी भी एक्टिंग इन्होंने बहुत ज्यादा ही ओवर कर रखी है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर हमको यही दिखाना चाहते हो कि इनका ये आइडिया हो रियल मंजुलिका को बाहर निकालने के लिए। साउथ के कई वर्जन की चंद्रमुखी और मंजुलिका देख चुके हैं जिसके अंदर हमको हमेशा लास्ट में पता चलता है कि असली मंजुलिका या चंद्रमुखी कौन है, तो उसके अंदर भी यही ट्विस्ट होने वाला है। और मेरे को लग रहा है ट्रेलर के अंदर सबसे कम तृप्ति ढीमरी को दिखाया गया है, तो मंजुलिका से उनका लेना देना सबसे ज्यादा बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि उनको मल्टीपल डिसऑर्डर हो और इन दोनों को इसलिए मंजुलिका की एक्टिंग करनी पड़े ताकि वो बाहर निकल कर आए। बाकी तो अभी मूवी देख के ही पता चलेगा रियल स्टोरी क्या है। बाकी कार्तिक आर्यन की बात करें तो उसका भूलभुलैया 2 से तो कोई कनेक्शन नहीं है रूह बावा के नाम का छोड़ के, बट इसके अंदर वो भूत को पकड़ने वाले बने हैं जो एक फेक कैरेक्टर होगा हर बार की तरह, और उनका एक असिस्टेंट भी होगा जो हमको कॉमेडी करके ताने की कोशिश तो करेगा। तो मूवी की स्टोरी तो इसी के आसपास ही घूमने वाली है। बट सबसे बड़ा सवाल, सिंघम 3 ने तो इतने सारे कैमियो दिखा के सबको बुक कर लिया है कि पहले वो उनकी मूवी देखे, बट भूलभुलैया 3 का क्या, वो कैमियो करवाएंगे? तो मेरे को लगता है बिल्कुल सही बात है क्योंकि अक्षय कुमार का कैमियो भूलभुलैया 3 के लिए अब नैया पार लगाने लायक बन चुकी। क्यों नहीं, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि वो कैरेक्टर आदित्य का ना हो जो हमको भूलभुलैया 1 में दिखा था, हमको एक न्यू ही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और अक्षय कुमार का आना तो अब कंफर्म हो ही चुका है। बाकी आप हमें कमेंट में बताएं आप कौन सी मूवी पहले देखने वाले हैं, सिंघम 3 या भूलभुलैया 3, क्योंकि अक्षय कुमार तो मेरे को लगता है आप दोनों में ही दिख रहे हैं।